हाय एंड वेलकम टू माय किचन कुकिंग विद एनिया। तो आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल चिकन पुलाव। तो चलिए शुरू करते हैं। मिक्स वेजिटेबल चिकन पुलाव इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बच्चे वेजिटेबल पुलाव इतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में वो चाहते हैं चिकन या गोश्त हो। तो चिकन और गोश्त डालने से जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ये जो मैं डिश बना रही हूँ आज, चिकन वेजिटेबल राइस पुलाव जो है, 2 ग्लास चावल मैंने लिए हैं, यानी आधा किलो चावल ले लिए हैं, आधा किलो मिक्स वेजिटेबल ले लिए हैं। इसमें मैंने आलू, मटर और गाजरें ऐड की हैं। आप अपनी पसंद के और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। आधा किलो करीबन, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन मैंने ले लिया है, ठीक है। और गरम मसाला जो कुटा हुआ करीबन 1.5 चम्मच है, 2 अदद ऐसी मिर्ची भड़ी जो वो है वो मैंने कटिंग कर ली है, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने 1-1 चम्मच ले लिया है, मिक्स मसाला जो है वो करीबन 1 बड़ा चम्मच ले लिया है जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची और जीरा और काली मिर्ची है, 1 मीडियम साइज का मैंने प्याज कटिंग करके ले लिया है, नमक जो है वो हसबे जायका है, ये करीबन 1.5 चम्मच है। तो सबसे पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे, उसके अंदर हम अदरक लहसुन डाल के चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि चिकन की जो हीट कैप स्मेल है वो खत्म हो जाए। चलिए शुरू करते हैं बनाना। प्याज को लाइट सा ब्राउन करेंगे, प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा पिंक करेंगे। प्याज लाइट सा पिंक हो गया है, इसके अंदर अब मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन का कलर थोड़ा सा पिंकिश हो गया है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और साथ में हम नमक ऐड करेंगे ताकि चिकन में अच्छे तरीके से नमक रस जाए। अदरक लहसुन अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वेजिटेबल ऐड करके हल्का सा वेजिटेबल को भी भूनेंगे और साथ ही मैं गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी। गरम मसाला साथ हरी मिर्ची और साथ ही हम वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, इसको 5 मिनट तक सिर्फ फ्राई करना है, ठीक है। और फिर आपने इसके अंदर पानी डालना है। पानी में हमेशा कहती हूँ ठंडा पानी पकती हुई चीज़ में कभी नहीं डालना, हमेशा गर्म किया हुआ पानी डालना है, ठीक है। तो मैं इसको कवर कर दूंगी, फिर हम 5 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे और उसके बाद इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें 4 ग्लास पानी ऐड करूँगी क्योंकि चिकन ने, वेजिटेबल्स ने और चावल ने इसमें पकना है और 2 ग्लास चावल है इस वजह से। तो चावल को मैंने, क्योंकि ये वनस्पति चावल है इस वजह से चावलों को मैंने ना, चावलों को 1 मिनट हो गए हैं अच्छे तरीके से, ये देखें पक चुके हैं हमारे वेजिटेबल्स वगैरह। और आप चेक कर सकते हो कभी कभी मटर जो होते हैं वो नरम नहीं होते, तो लेकिन ये देखें अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। बाद में जो थोड़ी सी इसमें कमी रह गई है ना, ये चावलों के साथ पक जाएंगे। तो चावल देखें मैं आपको दिखाती हूँ, चावल 1 घंटा मैंने डिप किए थे, देखें ऐसे चावल हो जाते हैं देखें। और ये इनको करीबन हम लो फ्लेम पे अब पकाएंगे। इससे पहले मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। आप गरम मसाला जितना तेज़ भी चाहें तो खा सकते हैं, अगर आपकी फैमिली वाले तेज़ मसाला खाते हैं तो आप तेज़ भी डाल सकते हैं इसमें ज़्यादा मसाला। मैंने करीबन 1-1 चम्मच डाला है। अब मैं इसकी मीडियम फ्लेम कर दूंगी, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करनी, पानी पका हुआ है और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको बनाऊंगी। इसको 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, जैसे इसका पानी खुशक हो जाएगा तो अब इस कंडीशन में जब आएगा देखो चावल, तो हम इसको दम पे रख रहे हैं। दम सिर्फ इसको करीबन 5 मिनट क्या चाहिए, 5 मिनट दम पे रखे हैं। अब मैं आपको दम हटा के दिखा रही हूँ। वाह, देखें कितना खूबसूरत कलर और कितने निखरे हुए चावल और कितनी खूबसूरत स्मेल आ रही है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। एक ट्रे रखेंगे, इसके अंदर अब हम चावल निकाल के दिखाते हैं आपको। तो मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल चिकन पुलाव बन के रेडी हो गया है। अब एक गोल्डन बात भी सुन ले, कीमती खजाना और तेल दनाओं के घर में है लेकिन अहमक उनको उड़ा देता है। तो अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।